डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टुडे ई लेक्चर ऑफ पीएमआरएस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिटेंशन स्ट्रेटजीज यूनिट फर्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल लेक्चर नंबर फर्स्ट। इन लेक्चर नंबर फर्स्ट वी विल डिस्कस परफॉर्मेंस अप्रेजल ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मे बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन ए सबॉर्डिनेट एंड ए सुपरवाइजर दैट यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक इंटरव्यू एनुअली और सेमी एनुअली इन विच द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द सबॉर्डिनेट इज एग्जामिन्ड एंड डिस्कस्ड विद ए व्यू टू आइडेंटिफाइंग वीकनेसेज एंड स्ट्रेंथ्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट। इस पूरे पैराग्राफ से क्या समझ में आया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक फॉर्मल इंटरेक्शन है, स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन है, जो कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में होता है, जिसमें सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट से डिस्कशन करता है एक पीरियोडिक टाइम पीरियड के बाद, और इसमें इंटरव्यू होता है जिसमें कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स को उसने जो परफॉर्मेंस दी थी उस परफॉर्मेंस को पहले एग्जामिन करता है और उसके बाद सबॉर्डिनेट्स उसे डिस्कस करता है। और इसके पीछे व्यू क्या होता है कि सबॉर्डिनेट्स की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई हो सकें, एज वेल एज उसका जो डेवलपमेंट है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसको भी उसके साथ डिस्कशन किया जा सके। तो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल एक फॉर्मल इंटरेक्शन है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, जो कि एवरी ईयर एंड में होता है, जिसमें सुपीरियर सबॉर्डिनेट को उसकी पूरे साल भर की परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक देता है। सिक्स प्राइमरी क्राइटेरिया ऑन विच द वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस मे बी एसेस्ड। तो जो सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस है वो इन बेसिकली सिक्स क्राइटेरियाज के बेस पर जज और एग्जामिन की जाती है। फर्स्ट क्या है, क्वालिटी, सेकेंड क्वान्टिटी, थर्ड टाइमलीनेस, फोर्थ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, फिफ्थ नीड फॉर सुपरविजन और सिक्स्थ इंटरपर्सनल इम्पैक्ट। क्वालिटी का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रोडक्ट्स आउटपुट बोला था या जो उस सबॉर्डिनेट को वर्क दिया था उसने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ कंप्लीट किया या नहीं किया। अगर किया तो क्वालिटी की परफॉर्मेंस है, क्वालिटी वर्क किया, और नहीं किया तो नहीं किया। किया तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, नहीं किया तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स पर्सन को पर मंथ 25 सेल्स का टारगेट मिला था, तो अगर उसने टारगेट अचीव कर लिया तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं किया तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई है, उसे पर मंथ 300 यूनिट्स प्रोडक्शन का टारगेट मिला था, तो अगर उसने वो कर लिया तो परफॉर्मेंस है अच्छी है, नहीं किया तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और अगर उसने उसमें डिफेक्टिव नहीं पीस बनाए तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी क्योंकि क्वालिटी दी, लेकिन अगर उसने 300 पीसेस बनाए लेकिन उनमें डिफेक्ट्स ज़्यादा हैं तो क्वांटिटी तो अचीव कर ली लेकिन क्वालिटी नहीं दे पाया। नेक्स्ट क्या है, टाइमलीनेस, जो टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड में अपनी परफॉर्मेंस दी है या नहीं दी, अगर दी है तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, नहीं दी है तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि जो आउटपुट दिया उसके लिए जो इनपुट है वो कम लगे, कॉस्ट है वो कम लगी तो परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी, लेकिन अगर जितना आउटपुट दिया उससे कहीं ज़्यादा है, कॉस्ट लग गई इनपुट की फॉर्म में, तो परफॉर्मेंस पुअर मानी जाएगी। अगर सबॉर्डिनेट को ज़्यादा सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है तो परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी, लेकिन अगर उसे डिसिप्लिन में रखने की ज़रूरत है, उसे सुपरवाइज करने की ज़रूरत है, तो इट मीन्स उसकी परफॉर्मेंस पुअर मानी जाएगी। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इम्पैक्ट, अगर जो सबॉर्डिनेट है उसके अंदर टीम वर्क है, कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप क्वालिटी है, उसके अपने कलीग्स के साथ, अपने सुपीरियर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, तो इट मीन्स परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अगर उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, टीम वर्क नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, और उसके अपने सुपीरियर्स के साथ और कलीग्स के साथ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, तो इट मीन्स उसकी परफॉर्मेंस पुअर मानी जाएगी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन डेफिनेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो वेंडल फ्रेंच ने परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्या डेफिनेशन दी है, द फॉर्मल, क्योंकि ये ऑफिशियली है तो जो चीज़ ऑफिशियली होगी वो फॉर्मल होगा, तो द फॉर्मल सिस्टेमेटिक असेसमेंट ऑफ हाउ वेल एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग दियर जॉब्स इन रिलेशन टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड द कम्युनिकेशन ऑफ दैट असेसमेंट टू एम्प्लॉयज की एक फॉर्मल सिस्टेमेटिक असेसमेंट, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने अच्छे ढंग से अपनी जॉब पर परफॉर्म कर रहे हैं, किसके कंपेरिजन में उनकी जॉब पर जो ईयर स्टार्टिंग में उनके लिए स्टैंडर्ड सेट किए गए थे, और मेजर करने के बाद
स्टैंडर्ड से कंपेयर करने के बाद एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना उनके असेसमेंट का, कि आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रही, एवरेज रही या पुअर रही। फ्लिपो ने क्या डेफिनेशन दी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमेटिक पीरियोडिक एंड एन इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज एक्सीलेंस इन मैटर्स पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब एंड हिज पोटेंशियल फॉर ए बेटर जॉब। की परफॉर्मेंस अप्रेजल वही एक सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक का मतलब एक प्रोसेस है, सिस्टम है तो स्टेप बाई स्टेप होगा, पीरियोडिक है एवरी ईयर एंड में होता है, और इम्पार्शियल रेटिंग का मतलब है कि जो सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट की जो परफॉर्मेंस का असेसमेंट करता है वो एक्चुअल में उनके परफॉर्मेंस के बेस पर ही करता है, ना कि कोई पार्शियलिटी करता है, फेवरिज्म करता है अपने रिलेशन के बेस पर कि भाई वो उसका रिलेटिव है उस बेस पर, या वो उसको हमेशा फेवर करता है इस बेस पर। और इसमें जो किया जाता है अप्रेजल वो देखा जाता है प्रेजेंट जॉब में वो कितना अच्छा कर रहा है और फ्यूचर में हायर जॉब के लिए उसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, द अप्रेजल इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग थ्री स्टेप्स। तो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सेटिंग वर्क स्टैंडर्ड, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, फिर एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे असेसमेंट किया जाता है और उनको इन स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाता है, और थर्ड क्या है, एम्प्लॉय यानी कि सबॉर्डिनेट को फीडबैक दिया जाता है जिससे कि अगर कोई डेफिशिएंसी आ रही है, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर स्टैंडर्ड से कम है तो टाइम रहते हुए वो उसे इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट ट्राइज टू फाइंड आउट हाउ वेल द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग द जॉब एंड ट्राइज टू एस्टेब्लिश ए प्लान फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इससे ये पता चलता है कि कितने अच्छे तरीके से एम्प्लॉय अपनी करंट जॉब पर परफॉर्म कर रहा है और उसको फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। नेक्स्ट क्या है कैरेक्टरिस्टिक, कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो पीरियोडिकली होता है और उसकी पहले से ही प्लानिंग होती है, और जो बेसिकली है वो एवरी ईयर एंड में है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल केवल पास्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी के, पास्ट में एम्प्लॉयज ने जो परफॉर्मेंस दी उसका असेसमेंट कर लिया उसे ही हम परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलेंगे, और जो पुअर परफॉर्मेंस है उस पुअर परफॉर्मर को सपोर्ट करना, बेसिकली ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी है, उससे हमें ये पता चलेगा कि चीज़ें कहाँ गलत गई, क्यों जो चीज़ें थी वो ऑर्डर में नहीं हो पाई और कैसे हम है फ्यूचर में इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब जो भी वॉल्यूएशन नहीं है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो उस जॉब पर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जॉब वॉल्यूएशन का मतलब क्या होता है, कि वो जो जॉब है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्थ की है या नहीं है, और उसी के बेस पर ही है ऑर्गेनाइजेशन उस डेजिग्नेशन के लिए पे डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये नहीं है कॉलिंग द फाउल्स, की एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना और उसकी गलतियां गिनाना। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है कि एम्प्लॉयज को प्रॉपर कोचिंग दी जाए, जजमेंट नहीं किया जाए कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुमने इतनी दुनिया भर की गलतियां किया है। परफॉर्मेंस अप्रेजल वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स के साथ डिस्कस करता है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है परफॉर्मेंस में तो उसे एलिमिनेट करता है और उसकी हायर परफॉर्मेंस के लिए नए गोल को सेट करता है। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी। ईयर एंड में जो पूरा सिस्टमेटिक फॉर्मल इंटरव्यू होता है वो तो फॉर्मल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुपीरियर ईयर एंड में ही परफॉर्मेंस का फीडबैक देगा, कंटिन्यूअसली है वो सुपीरियर को अनऑफिशियली है वो उसकी परफॉर्मेंस बताता रहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही, इंप्रूव करो, आगे परफॉर्मेंस अप्रेजल में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो क्या होगा, इनफॉर्मल होगा। तो इनफॉर्मल इवोल्यूशन इज मोर लाइकली टू बी सब्जेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल फैक्टर, सम एम्प्लॉयज आर लाइक बेटर देन अदर एंड हैव फॉर दैट रीजन ओनली बेटर चांस रिसीविंग वेरियस काइंड ऑफ रिवार्ड्स देन अदर। जबकि फॉर्मल का मतलब क्या है, फेयर और ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक सिस्टमेटिक मैनर में प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म पर निकाला जाता है, जबकि इनफॉर्मल ऐसा कोई प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म पर नहीं निकाला जा रहा, वो जो कंटिन्यूअसली जॉब चल रही है उसमें जो सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट को कंटिन्यूअसली फीडबैक देता रहता है। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ा, इसी के साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।